स्क्रीम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी है। इस मूवी की अच्छी बात यह है कि यह पहले पार्ट को जोड़कर बनाया गया है। बिली लूमिस और स्टू मार्चर के पूरे शहर को आतंकित करने के 25 साल बाद हाई स्कूल की तारा कारपेंटर जब घर पर अकेला था तो एक फ़ोन आया और 3 सवाल देने को कहा गया, नहीं तो उसके दोस्त बार्को को मार डालेगा। लेकिन घोस्ट फेस ने अचानक से हमला किया और तारा को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन हमले से तारा बच जाता है। शहर के बाहर तारा की बड़ी बहन सैम कारपेंटर को उसकी भाई के हमले के बारे में तारा को दोस्त विल शेख ने बताया। सैम अपने बॉयफ्रेंड रिची के साथ तारा से मिलने हॉस्पिटल आता है। वहाँ तारा के दोस्त से सब मिलते हैं। दिन भर सब बातें किए और जब सारे दोस्त जब बाहर क्लब में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी से झड़प हुआ, पर जब लिप बाहर था तो वहीं घोस्ट फेस ने हमला करके वहीं लिप को मार डाला। इधर अस्पताल में जब सैम पानी पीने के लिए गया तो फिर से एक फ़ोन आया और कहा कि वो सैम के परिवार के बारे में कुछ राज जानता है और तारा के ऊपर हमला किया क्योंकि सैम को यहाँ ले आना था। तब सैम के ऊपर घोस्ट फेस ने हमला किया लेकिन सैम बच जाता है पुलिस के अचानक आने से। शेरिफ यही था तो पुलिस ने उसके ऊपर शक किया। सैम तारा से राज बताने को कहा। उसने बताया कि सैम बिली की बेटी है जो मशहूर कातिल थे और इसलिए वो शहर छोड़ दिया और तारा से अलग हो गई थी। अगले दिन सैम और रिची डेविस से मिलने जाते हैं जो स्क्रीम के पहले मूवी में एक पुलिस वाला था, जब गेल से तलाक के बाद से उसके बुरी स्थिति में था। सैम हत्यारों को रोकने के लिए उसे मदद मांगते हैं और यह भी बताते हैं कि वह बिली की बेटी है। डेवी ने बताया जब करीबी दोस्त होते हैं वही असल में कातिल होते हैं। इसके बाद डेवी ने सिडनी प्रेसकॉच और गिल से संपर्क करता है और बताता है कि यह सब कुछ हो रहा है। मूल हत्यारों से संबंधित लोगों पे 3 हमले होने के कारण सैम पे हत्यारा होने का आरोप है। घोस्ट फेस ने इसके बाद वेल्स और उसकी माँ सेल्फ जूडी हेल्सलिन उनके घर पे हत्या कर दी। उसकी माँ सेल्फ जूडी हेक्सिन उनके घर पे उसकी हत्या कर दी। सैम जब खबर सुनते इधर आया तो अस्पताल में तारा के ऊपर घोस्ट फेस ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन सैम और डेवी वहां आकर घोस्ट फेस पर गोली चलाकर तारा को बचा लिया और सैम तारा और रिची बाहर चला गया। लेकिन डेवी जब घोस्ट फेस के सर पे गोली मारने गया तो घोस्ट फेस ने डेवी पे हमला करके उसे मार डाला। सिडनी शहर में आता है और गेल और सैम से मिलता है। सिडनी ने सैम से हत्यारे को मारने में मदद करने को कहा, लेकिन सैम रिची और तारा के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हुए मना कर दिया। सिडनी चेतावनी देता है कि कोई भी भाग नहीं सकता क्योंकि घोस्ट फेस उनका पीछा करेगा। सैम रिची और तारा पिट्सबर्ग शहर को छोड़ के जाते वक्त तारा को और एक अतिरिक्त रहर चाहिए था जिसके रहमन के घर पर रहने पर मजबूर होते हैं। सिडनी और गेल तीनों का पीछा एम्बर के घर तक करते हैं। सैम को फ़ोन करके सिडनी ने बताया घर सूद का पुराना घर है, इसके घर में 25 साल पहले बिली ने सबको मार डाला था। चार जब बाहर था तो उसके ऊपर भी हमला किया लेकिन वह मारा नहीं, बेहोश हो गया। फिर बिली जब घर पे था तो उसके ऊपर भी घोस्ट फेस ने हमला किया लेकिन सैम ने आके बचा लिया। इसके बाद जब सारे दोस्त एक जगह थे तब पूछा कि हत्यारा कौन है, तब एम्बर ने लिप को गोली मार देता है और खुद को हत्यारा के रूप में सामने ले आता है। जब गेल और सिडनी घर पे आते हैं तब एम्बर ने नाटक किया कि उसके ऊपर भी हमला हुआ है, लेकिन सिडनी और गेल इस नाटक को समझ लेते हैं
तब एम्बर ने गेल के पेट में गोली मार देता है और घर के अंदर चला जाता है इससे पहले कि दोनों एम्बर को गोली मारते। फिर पता चलता है कि रिची ने तारा पे हमला किया था और रिची ही एम्बर का दूसरा कातिल साथी है, तो सैम को चाकू मारता है। एम्बर सैम सिडनी और गेल को रसोई में ले जाता है जहाँ सिडनी का पहली बार बिल्ली और स्टूक के खिलाफ सामना हुआ था। रिची और एम्बर ने खुलासा किया कि वह स्टैप श्रृंखला के जुनूनी प्रशंसक है। वह इस क्षेत्र में निराश है और सच्ची घटनाओं के आधार पर अनुकूलित होने के लिए एक नई कहानी प्रदान करना चाहते हैं। सैम को एक नया कातिल के रूप में दिखाना चाहते हैं क्योंकि वह बिल्ली की बेटी है। गेल और सिडनी ने सबको मारा और एम्बर को गोली मार दी। जब एम्बर चूल्हे पे गिरा तो आग लग जाती है। इसके बाद रिची ने फिर से सैम पे हमला किया लेकिन इस बार सैम ने चाकू से रिची पे वार करके मार डाला। पर एम्बर जब चाकू से मारने आया तब तारा ने गोली मार के उसे भी मार डाला। सब कुछ खत्म होने के बाद सैम गेल और सिडनी से थैंक्स कहा करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।